हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं ब्राजील और नीदरलैंड्स के बीच होने वाले मैच की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल्स का दूसरा मैच अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच 10 दिसंबर को लुसेल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच इंडिया में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत अर्जेंटीना की अच्छी नहीं रही थी। ग्रुप स्टेज के अपने पहले मैच में सऊदी अरेबिया ने उलटफेर करते हुए अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया था। दूसरे मैच में अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए मेक्सिको को 2-0 से हराया और तीसरे मैच में पोलैंड को 2-0 से हराकर अर्जेंटीना ने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया था। नॉकआउट मैच में शानदार खेल दिखाते हुए अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। इस फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अभी तक 7 गोल्स किए और 3 गोल्स खाए हैं। नीदरलैंड्स ने इस फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक शानदार खेल दिखाया है। अपने ग्रुप स्टेज के पहले मैच में नीदरलैंड्स ने सेनेगल को 2-0 से हराया और दूसरे मैच में इक्वाडोर के खिलाफ मैच ड्रॉ खेला था। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया था। नॉकआउट में नीदरलैंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएसए को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई किया। इस फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने 8 गोल्स किए हैं और सिर्फ 2 गोल्स खाए हैं। अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स हेड टू हेड। नीदरलैंड्स का अर्जेंटीना के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोनों टीम्स के बीच 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 4 मैच नीदरलैंड्स ने जीते और 3 मैच अर्जेंटीना ने जीते। इन दोनों टीम्स के बीच फीफा वर्ल्ड कप में यह 7th मैच होगा। फीफा वर्ल्ड कप में लास्ट मैच इन दोनों टीम्स के बीच 2014 सेमीफाइनल में हुआ था। उस मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया था। दोनों टीम्स के बीच लास्ट 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। 1930 फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल्स में उरुग्वे से हारने के बाद अर्जेंटीना के लास्ट नॉकआउट एलिमिनेशन यूरोपियन टीम्स के हाथों से हुए हैं। मैच प्रेडिक्शन। अर्जेंटीना का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग है और उनके पास स्टार प्लेयर्स की भी कमी नहीं है। मेसी का यह लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है और वो चाहेंगे कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताएं। लास्ट 1 साल से नीदरलैंड्स का फॉर्म अच्छा चल रहा है। उनके स्क्वाड में यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की कमी नहीं है। नीदरलैंड्स को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच जीतने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। लास्ट 2 साल से इंटरनेशनल लेवल पर अर्जेंटीना कंसिस्टेंट रहा है और यह मैच रेगुलेशन टाइम में अर्जेंटीना जीत सकता है।